आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति के मूल आधार, ये जो बुक्स है इनमें से आपके एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अभी जैसे मान लो जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें भी बहुत सारे पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए एक विशेष नोट्स। ये पहला भाग है, हालांकि इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस को एक भाग में पढ़ने पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, दो भागों में मिलाकर के पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, यानी बड़े और छोटे सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न है वो सारे हम हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी अच्छी मदद करेगा। वीडियो कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं, आज पहला भाग पढ़ रहे हैं, कल दूसरा भाग पढ़ लेंगे और ये ई गवर्नेंस पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ई गवर्नेंस, जिसको हम यांत्रिकी आधारित शासन कह सकते हैं, यानी ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र और स्थिति को पुनर्वासित करने की एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, एक विधा है। यानी सरकार के बीच और नागरिकों के बीच एक संबंध स्थापित करने का, शासन और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शासक के ये कार्य जो है, शासकीय कार्य संपादित करने और नागरिक समस्याओं के जैसे निदान, आवेदन पत्र प्राप्त करने, इस प्रकार के सभी कामों को प्रभावी रूप से और एक सुचारू रूप से संपादित करने के लिए सूचना तकनीकी और संचार तकनीकी का जो उपयोग होता है उसी नवीनतम पद्धति का नाम इलेक्ट्रॉनिक शासन पद्धति, जिसको हम ई गवर्नेंस भी कह सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस यह है कि सरकार और नागरिकों के बीच जितनी भी समस्याएं हैं, आवेदन पत्र प्राप्त करना है, समस्याओं का निदान करना है, इनको सुचारू रूप से संपादित करने का, इनको सुचारू रूप से संचालित करने की जो सूचना तकनीकी या संचार तकनीकी का जो उपयोग किया जाता है और जो नवीनतम पद्धति है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक शासन पद्धति या ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस पद्धति के और भी कई नाम है, जिसको इसको इंटरनेट शासन पद्धति भी कह सकते हैं, डिजिटल शासन पद्धति कह सकते हैं, हाइपर शासन पद्धति कह सकते हैं, टेक्नो शासन पद्धति कह सकते हैं, साइबर गवर्नेंस इसको कह सकते हैं। इतने नामों से इसको जाना जा सकता है, और संक्षेप में इसको क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस कहा जाता है। चाहे इंटरनेट है, डिजिटल शासन है, हाइपर शासन, इन सभी को संक्षेप में, इनका सभी का संक्षिप्त नाम क्या है, ई गवर्नेंस है। अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस का क्या अभिप्राय है। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि शासन के काम या शासन के कार्यकलाप, इनमें सूचना और संचार तकनीकी के उपयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है। शासन के कार्यकलापों में सूचना और संचार तकनीकी का जो उपयोग होता है उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी ई गवर्नेंस क्या है, शासन की वह विधा है, शासन का वह प्रकार है, शासन का वो सिस्टम है जिसमें नागरिकों से शासन, शासन से नागरिक और शासन से शासन, यानी नागरिकों और शासन के बीच, शासन और नागरिकों के बीच, शासन और शासन के बीच परस्पर संपर्क, संचार, सूचना जिन आधुनिक यंत्रों के माध्यम से की जाती है वही ई गवर्नेंस है। यानी विभिन्न प्रकार के जैसे जितने भी जो जैसे मान जिनसे ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जब हम सूचना स्थापित करते हैं, सूचना संबंध स्थापित करते हैं, तो वो क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस की क्या विशेषताएं हैं। ई गवर्नेंस की पहली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक सहभागिता। ई गवर्नेंस से नीति निर्माण प्रक्रिया में जन सहभागिता की भावनाओं को मदद मिलती है, जनता की सहभागिता की भावना ज्यादा प्राप्त होती है। आज हम कहीं भी कोई कानून बनता है, अपने भारत के कानूनों को तो हम देख ही पाते हैं, इसके अलावा विश्व में भी कई ऐसी सूचनाएं हैं जो हमारे पास आ जाती है, जैसे ईमेल के माध्यम से, चैट रूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीधे हम अधिकारियों से और नीति निर्माताओं से संपर्क स्थापित करने में सक्षम होते हैं। और सक्षम क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सहभागिता के माध्यम से। तो ई गवर्नेंस की पहली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक सहभागिता। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विचार विमर्श, इससे हम परस्पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि जैसे चैट है, जैसे अपन व्हाट्सएप को ले ले, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम अपनी बात को बैठे बैठे बिना बोले भी अपनी बात को कर सकते हैं। ई गवर्नेंस यानी जैसे ईमेल के माध्यम से हम कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचनाओं को स्थापित करके कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस से क्या हुआ है कि जनता और सरकार के बीच में प्रभावी जो विचार विमर्श है वो संभव होता है।
सरकारी कर्मचारी और नागरिक और हित समूह, इनके मजे जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इस प्रकार की बहुत सारी तरीके हैं जिनके माध्यम से आदमी घर बैठा हुआ अपने क्षेत्र में बैठा बैठा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हो जाता है। आजकल कई तरह की जो मीटिंग होती है, मीटिंग में जैसे जूम ऐप के माध्यम से है और भी बहुत सारे मीटिंग एप्स है जिनके माध्यम से ऐप होती है, ऐप के माध्यम से मीटिंग्स हो जाती है, सारे विचार जो है वो साझा हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन पर प्रभावी नियंत्रण भी होता है। जैसे मान लो अगर किसी तरह की कोई फीडबैक, जैसे फीडबैक अगर मान लो कमजोर आना शुरू हो जाती है या फीडबैक लेनी होती है तो भी फीडबैक मिल जाती है कि ये कानून सही है गलत है। और आप देखते हैं कि जैसे मान लो दूर देशों में बैठे लोग भी किसी भी टॉपिक पर बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण भी है इसके माध्यम से। चौथी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ग निर्देशन, ई गवर्नेंस में जनता को विभिन्न माध्यमों से निर्देशन भी प्राप्त होता है, जनता को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, या यू कह सकते हैं कि आज जो जितनी उपकरण काम में ले जाते हैं इन उपकरणों से जनता को बहुत सारी जागरूकता मिलती है। जनसंचार के साधनों के उत्तरोत्तर विकास ने इससे साधन शासन के बारे में जनता को निरंतर अवगत कराते रहते हैं। जनता को अवगत कराते रहने के कारण क्या है कि जनता केवल शासन से संबंध नवीनतम सूचनाएं प्राप्त नहीं करती है बल्कि संबंधित विषय पर सरकार को प्रतिक्रिया भी देती है, मार्ग निर्देशन भी देती है। वजह से मान लो यहां पर बैठे बैठे कोई कानून बनता है तो एक चैनल के माध्यम से दूसरे चैनल के माध्यम से या एक चैनल पर विभिन्न लोगों को लाइन पर लेकर के, यानी ऑनलाइन जो है वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, फिर भी एक मुद्दे पर बहस होती है, विचार विमर्श होते हैं और आसानी से किसी मुद्दे का सरलीकरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता को भी निर्देशन मिलता रहता है, जनता भी उससे जागरूक होती रहती है। वो तो हो गए इसकी विशेषताएं। इसके अलावा ई गवर्नेंस का क्षेत्र क्या है, प्रश्न आ जाता है। ई गवर्नेंस का क्षेत्र में पहला है लोक शिकायत, यानी अगर मान लो जनता जो है किसी काम के बारे में शिकायत करना चाहती है तो वो सीधी शिकायत है वो सीधे तुरंत पहुंचा सकती है, जैसे बिजली, पानी आपूर्ति, टेलीफोन, सफाई, राशन कार्ड, लोक परिवहन, सामान्य प्रशासन, या जैसे मान लो किसी कर्मचारी का अपने अपने ऑफिस में उपस्थिति नहीं हो रही है, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, जैसे इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, वो क्या है कि व्यक्ति अपनी शिकायत सीधे भेज सकता है, सरकार तक पहुंचा सकता है और उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से व्यक्ति सीधी शिकायत पहुंचा सकता है और पता ही नहीं चलता, थोड़ी सी देर में कार्रवाई हो जाती है। दूसरा है पुलिस विभाग। ई गवर्नेंस के उदाहरण में पुलिस विभाग भी आता है। अगर पुलिस विभाग जैसे मान लो सबसे पहले जो रिपोर्ट लिखनी होती है, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट होती है वो सूचना जिसको हम FIR कहते हैं, FIR जैसे फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्रथम सूचना जो रिपोर्ट है वो दाखिल करने के लिए, जैसे आजकल क्या है कि ऑनलाइन भी की जा सकती है, गुमशुदा की तलाश बताई जा सकती है, खोया पाया अगर कोई खो गया है या मिला है तो उसकी सूचना तुरंत जो है वो पहुंच जाती है, अपराधियों से संबंधित सूचना, इन सबको प्रभावी बनाया जा सकता है ई गवर्नेंस के माध्यम से और ये संपर्क जनता और पुलिस दोनों के लिए बहुत ही अच्छे और मधुर हितकारी है। सामाजिक सेवाएं भी इस क्षेत्र में आती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा है, विकलांग योजना है, विधवा योजनाएं है, महिला और बाल विकास है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन है, छात्रवृत्ति है, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी सारी सूचनाएं आपको एक ही पटल पर मिल जाती है। आप ई मित्र के पास जाते हैं और ई मित्र के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन करना है, बेरोजगारी भत्ता का, किसी तरह की जो सूचना में आवेदन करना है तो आप तुरंत कर लेते हैं और वो उस पर कार्रवाई हो जाती है, तो ये भी इसका क्षेत्र है। इसके अलावा है लोक सूचनाएं, जैसे रोजगार की सूचना है, पर्यटन है, परीक्षा परिणाम है, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं हैं, रेल बस टिकट से संबंधित है, समय सारणी, आज हम तुरंत बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि अभी जो ट्रेन है वो कहाँ चल रही है, कितने बजे इस स्टेशन पर पहुंचेगी। भारत में हम कहीं भी देख सकते हैं कि भाई फलां स्टेशन से फलां स्टेशन पहुंचने के लिए कितने बजे ट्रेन जाती है। एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, अगर वो आदमी आपका आदमी कहीं बैठा हुआ है तो उस आदमी को आप बता सकते हैं कि आपके इतने बजे ट्रेन आने वाली है। तो मतलब आप ये जो ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव हुआ, ये सारी जो योजनाएं है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा है कृषि और पशुपालन, इसमें भी ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कोई विशेषज्ञ की सलाह लेनी है,
बीज है, खरपतवार नाशक है, मौसम की भविष्यवाणी है, मंडी में आवक जावक की बात है, उत्पादन की कीमत है, पशु आहार है, बीमारी, इन सभी की जानकारी हम ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वहां पर जैसे पशुपालन से संबंधित है, खरपतवार से संबंधित है, मौसम विभाग की है, मंडी से संबंधित सारी जानकारियां हैं, वो हमें प्रत्येक जो विभाग है उस विभाग की वेबसाइट पर हमें मिल जाती है और वहां से हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसका क्षेत्र है वाणिज्यिक, जैसे कर और रिटर्न दाखिल करना, टैक्स देते हैं वो टैक्स का रिटर्न जब हम दाखिल करते हैं तो सीधा ऑनलाइन करते हैं, शासकीय नीलामी है वो भी ऑनलाइन पता चल जाती है, कोई निविदा निकलती है, टेंडर है उसके बारे में, कई उद्योग स्थापित करने हैं तो जो परियोजनाएं हैं वो भी नेट पर ही हम देख पाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारी सूचनाएं हम ई गवर्नेंस का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा है, इसमें तो जबरदस्त इसका फायदा है, जैसे ऑनलाइन शिक्षा भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो आज हम इसी की बात करें, आज जैसे मान लो आप घर बैठे भी इस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट यदि ऑनलाइन शिक्षा जैसे हमेशा यदि नियमित रूप से वो पढ़ाई करता है तो आप जो है एक स्कूल से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल जाता है। इसमें आप जानते हैं कि जैसे मान लो हम इसमें एक ही समस्या आती है कि हम जो है अपनी समस्या का समाधान तुरंत नहीं करवा सकते, लेकिन आजकल उस समस्या का समाधान भी हो गया है, जब लाइव क्लासेज चलती है तो लाइव क्लासेज में आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण सेवाएं हैं, ग्रामीण सेवाओं में जैसे भू अभिलेख है, जैसे अपनी जमीन से संबंधित कोई रिकॉर्ड देखना है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची देखनी है, या जैसे ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित कोई लेखा जोखा देखना है, सारे क्षेत्र जो है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव है। इसके अलावा आवेदन, कहीं भी यदि हम जन्म से मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, किसी भी क्षेत्र में यदि हम इस प्रकार का आवेदन करना चाहते हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा नागरिक सुविधाओं के बिल भुगतान, जैसे जितने भी विद्युत है, टेलीफोन है, पानी है, संपत्ति कर है, पंजीयन कर है, ये जितने भी भुगतान है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से आ जाते हैं, जैसे ई मित्र पर जाकर के, या ई मित्र की जरूरत नहीं, आजकल तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से भी बहुत सारे बिलों का भुगतान घर बैठे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूचनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ई गवर्नेंस की वो क्षेत्र पढ़ लिया, विशेषताएं पढ़ ली, तो ई गवर्नेंस की इसी सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, भाई ई गवर्नेंस को पूर्णतः 100% यदि हम सफलता या सफल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या किन किन चीजों की जरूरत है। पहली बात तो वेबसाइट या सर्वर की उपलब्धता, पहली बात तो हर एक विभाग की वेबसाइट होनी चाहिए। ई गवर्नेंस के लिए सबसे पहले विभिन्न विभिन्न जो शासकीय विभाग और संस्थान है उनकी वेबसाइट का निर्माण होना होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर ही जो संबंधित जानकारी प्राप्त उपलब्ध हो सकती है। ई गवर्नेंस की वेबसाइट इंटरनेट अथवा इंटरनेट पर उपलब्ध होनी चाहिए, वेबसाइट बना ली, वो वेबसाइट बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, उसमें डायलअप कनेक्शन द्वारा यानी किसी अन्य संचार व्यवस्था से जुड़ने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि क्या है कि उससे हम यदि कोई सूचना लेना चाहे तो हम वो सूचना ले सके। इसके अलावा वेबसाइट पर वांछित सामग्री रखना, जैसे मान लो जिस विभाग की वेबसाइट बनी है तो उस विभाग से संबंधित सारी सूचनाएं हैं वो उस वेबसाइट पर होनी चाहिए, किसी भी विभाग की वेबसाइट का नागरिक तभी उपयोग कर सकते हैं जब उस पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि इसका उपयोग किसी भी प्रकार किया जा सकता है, मतलब उसकी शर्तें भी होनी चाहिए, जैसे मान लो आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं वो भी होना चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट अपडेट रहना चाहिए, जानकारी अद्यतन होना, किसी विभाग की वेबसाइट का निर्माण या उस विभागीय जानकारी देने मात्र से ही हम ई गवर्नेंस की अवधारणा पूरी नहीं हो जाती, यानी बल्कि हमें उस वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को निरंतर अपडेट रखना जरूरी है। आप अपडेट रखना जरूरी, एक बार सूचना डाल दी और 3 साल तक उसको संभाला ही नहीं तो वो सूचना ही क्या है कि पुरानी पड़ जाती है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो अद्यतन होनी चाहिए, अर्थात अपडेट होती भी रहनी चाहिए। संवाद स्थापित करना, ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपनी वेबसाइट के माध्यम से जितने भी जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आवेदन पत्र लेना है, शिकायत स्वीकार करना है, प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है, इन सभी सुविधाओं के जो है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और वो सारी सुविधाएं नागरिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध करवाई जाए, ताकि क्या है कि व्यक्ति जो है उस वेबसाइट पर ही अपनी शिकायत है या अपना आवेदन पत्र है वो भर करके सरकार के पास दे सके। आज जो है लगभग जितने भी जो विभाग हैं उन विभागों में
लगभग 90% से ऊपर जो सूचनाएं हैं वो सीधे हम ऑनलाइन भर करके भेज सकते हैं। इतना हमारे लिए बहुत कुछ हो गया है और बाकी जो सुविधाएं वो भी धीरे धीरे हो रही है। स्थायी और बेहतर संचार व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, संचार, इनकी सूचना है बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। ई गवर्नेंस की ये सफलता संदिग्ध हो जाती है अगर मान लो इसमें बेहतर संचार व्यवस्था नहीं होती है। जैसे मान लो सर्वर डाउन हो जाता है, या जैसे मान लो वो वेबसाइट चलती नहीं है, या वेबसाइट में सूचनाएं अपूर्ण होती है, तो संचार की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का उपयोग एक ये सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे मान लो यदि ई गवर्नेंस को पूरी तरह से सफल करना है तो इसके लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। अगर मान लो किसी भी वेबसाइट में जिस भाषा में व्यक्ति देखना चाहता है उस भाषा में उसकी सूचना होनी चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिनमें केवल इंग्लिश का प्रयोग होता है, और इंग्लिश मान लो भारत में, भारत हमारा जैसे हिंदी राष्ट्र देश है, तो यहाँ पर हिंदी में तो प्रत्येक सूचना होनी ही होनी चाहिए। और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाएं भी है जो संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं में भी वो सूचना जो है ट्रांसलेट होनी चाहिए ताकि उसका प्रयोग करके और व्यक्ति उससे जान सके। सरल उपयोग विधि, ई गवर्नेंस की सफलता के लिए संचार तकनीक के जो साधन है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए ताकि नागरिक है वो सीधा संपर्क करने में सरलता से संपर्क कर सके। जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के जैसे मान लो उसमें विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल डाल दिए जाते हैं तो हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता। उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, सूचना तकनीकी के साधनों की सरलतम विधि तभी कारगर सिद्ध हो सकती है जब नागरिकों को उन साधनों को प्रयुक्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान, जैसे मान लो एक मोबाइल है, इस मोबाइल को यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो एंड्रॉइड मोबाइल है जिसको कोई व्यक्ति चलाना नहीं जानता है, तो वो मोबाइल उसके लिए किसी काम का नहीं है, वो कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। भविष्य में विस्तार की सुविधा भी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस के लिए शासन के कुछ विभागों की वेबसाइटों का निर्माण कर देना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो हम एक विभाग की वेबसाइट का निर्माण कर दिया और उस पर हम किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अन्य विभागों में भी इस सुविधा का विस्तार और अवधारणा को गत्यात्मकता प्रदान होनी चाहिए। एक दूसरे विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उचित कानून भी बनना चाहिए। ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि सरकार साइबर अपराध को रोकने के लिए वेबसाइटों के साथ अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, या जैसे मान लो किसी वेबसाइट को हैक किया जाता है, तो उसके लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए ताकि व्यक्ति है वो इस प्रकार की बात सोच नहीं सके। उचित कानून बनना जरूरी है। कानून के बिना क्या है कि इन पर हर तरह की वायरस आते रहते हैं, या हर तरह की उनके वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, तो ये सारी चीजें हैं वो रोकने के लिए एक उचित कानून होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक रूप से व्यावहारिकता होनी चाहिए। ई गवर्नेंस की सफलता के लिए आर्थिक पथ पर भी निर्भर करती है, आर्थिक जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी निर्भर करता है। कैसे? आम नागरिकों को यदि हम वांछित सुविधाएं देना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट, टेलीविजन, टेलीफोन, इनकी सुविधाएं सस्ती होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आम नागरिक इसका उपयोग कर पाए। तो आर्थिक रूप से व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो इंटरनेट सुविधा है और बहुत अधिक महंगे दामों में, तो एक मजदूर व्यक्ति तो उसका प्रयोग ही नहीं कर पाता। राजनीतिक इच्छा शक्ति, ई गवर्नेंस की अवधारणा के लिए अनिवार्य है राजनीतिक इच्छा शक्ति। यानी अगर सरकार चाहती है कि सारी चीजें हैं वो पारदर्शी हो और लोग उनका अच्छा लाभ प्राप्त कर सके तो ही संभव है। ई गवर्नेंस का प्रचार प्रसार, साधारण नागरिकों और क्षेत्र में स्थापित जो साइबर ढाबे, जिसको साइबर कैफे कहा जाता है, इन तक ई गवर्नेंस का प्रचार प्रसार करना जरूरी है और इनके उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लाभ से आम आदमी को परिचित कराना चाहिए। ई गवर्नेंस को सफल और उपयोगी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में बताया जाए, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके बारे में जानकारी करे। प्रशिक्षण ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि नई नई तकनीकियां आती है और इन तकनीकियों के लिए सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पूरा उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ताकि क्या है कि वो वेबसाइट को अच्छे से हैंडल कर सके, जितनी भी सूचनाएं हैं उनको अच्छे से वो हैंडल कर सके, अच्छे से प्रदान कर सके। आधारभूत संरचना विकास, ई गवर्नेंस की सफलता के लिए आधारभूत संरचना विकास की आवश्यकता होती है। कैसे? ई गवर्नेंस सर्वर से समस्त क्षेत्रों को, जितने भी लोग हैं वो सरलता से जुड़ सके, इसके लिए दूरभाष लाइनें हैं, साइबर कैफे हैं, इनकी स्थापना है, वायरलेस इंटरनेट है, इंटरनेट से जुड़ने की जो व्यवस्थाएं हैं वो ई गवर्नेंस को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। यानी
ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। आजकल जब हम कई जैसे वाईफाई होता है, अगर किसी के पास नेट नहीं है तो वाईफाई से जोड़ करके भी अपना काम चला लेता है। तो ये सारी आधारभूत विकास की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। शासकीय जो विभाग है उनमें कोऑर्डिनेशन समन्वय होना चाहिए। ई गवर्नेंस की यदि हम अवधारणा ई गवर्नेंस को सफलतापूर्वक देखना चाहते हैं तो विभिन्न शासकीय विभागों की जो सेवाएं हैं उनको एक ही स्थान पर सुलभ कराने का साधन ई गवर्नेंस है। और ई गवर्नेंस का यही गुण है कि इसकी कामयाबी हो जाती है। यानी एक ही, जैसे मान लो ई मित्र पर आप जाएंगे तो ई मित्र पर सारी वेबसाइटों में, यानी ई मित्र पर बैठे बैठे आप हजारों वेबसाइटों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज तो हम अपने मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं समस्त सूचनाएं। शासकीय विभाग इसके प्रति संपूर्ण रूप से जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक हम ई गवर्नेंस को सफल नहीं कर सकते। इसके लिए सारा विभाग, सरकार जो है, समर्पित होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि समस्त संबंधित शासकीय विभागों के मध्य बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में समन्वय की स्थिति होनी चाहिए। दोनों में, सरकार और शासन के बीच में, शासन और शासन के बीच में, जनता और सरकार के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ई गवर्नेंस के लाभ क्या है? दो प्रकार के लाभ है, शासन के लाभ, शासन को लाभ और नागरिकों को लाभ। शासन और नागरिक, सरकार को भी लाभ होता है, नागरिकों को भी लाभ होता है। तो सरकार को क्या लाभ है? देखिए, सरकार को लाभ है पहली बात लागत में कमी। कोई भी चीज अगर ई गवर्नेंस के माध्यम से अपनाते हैं तो सूचना सेवा प्रदान करने में लागत में कमी आती है। यानी वो सूचना उसमें यूं कह सकते हैं कि मान लो 10% खर्चे में चली जाती, मतलब सूचना संपादित हो जाती है, एक गत्यात्मकता होती है, मोबिलिटी आ जाती है इसमें। ई गवर्नेंस को अपनाने से शासन की सेवा प्रदान करने और निर्णय क्षमता की गति में वृद्धि होने लगती है। जैसे एक सूचना जो है, जो सूचना 15 दिन बाद मिलती थी वो सूचना आज 15 सेकंड में मिल जाती है। तो कितनी प्रोग्रेस है, गत्यात्मकता है। एक इसमें लाल फीताशाही में कमी है। लाल फीताशाही, इसको हम यूं कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो, जैसे रिश्वतखोरी है या अनैतिकता के माध्यम से यदि जो है वो सारी खत्म हो जाती है। इससे इससे क्या होता है कि अनावश्यक कागज कार्रवाई नहीं होती और एक मुद्दे अथवा विषय पर औपचारिक फाइलिंग प्रक्रिया न्यूनतम होती है। यानी जो भी फाइलिंग प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन ही होती है और हम अपनी सूचना भर देते हैं, अगले के पास चली जाती है। अगर मान लो पहले क्या होता था कि एक फॉर्म भरते थे, उस फॉर्म को ले जाने वाला अलग होता था, फिर वहां पर स्वीकार करने वाला अलग होता था, तो ये क्या है कि अलग अलग होते थे, तो जिससे क्या है कि उसमें खर्चा भी ज्यादा था, टाइम भी ज्यादा लगता और अपराध या भ्रष्टाचार भी बढ़ता। यानी कोई भी अधिकारी अपने कंप्यूटर के माध्यम से सीधे फाइल तक पहुंचने की क्षमता रखता है। लाल फीताशाही की इसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा है आसान निगरानी व्यवस्था, इसका एक लाभ ये भी है। ई गवर्नेंस को अपनाने से शासन में अधिकारियों का अपने अधीनस्थों पर सीधा और आसान नियंत्रण हो जाता है। जैसे मान लो ऊपर बैठा अधिकारी नीचे बैठे अधिकारियों को देख सकता है कि उन्होंने आज क्या क्या काम किया है, कितना उन्होंने फाइलें तैयार की है, कितनी फाइलों का उन्होंने निराकरण कर दिया है, निस्तारण कर दिया है, वो सारी चीजें वो ऑनलाइन वहां पर देख सकता है। यानी बैंक का ले लो, चाहे शिक्षा विभाग का ले लो आप, चाहे चिकित्सा विभाग का ले लो, किसी भी विभाग का ले लो, तो एक अधिकारी ई गवर्नेंस के माध्यम से ये देखने में सफल होता है कि उसके अधीनस्थ कितना काम कर रहे हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं। तो ये भी एक आसान निगरानी व्यवस्था हो गई है। जनसंपर्क में आसानी, ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन और नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया बढ़ जाती है। नागरिक है वो सरकार से ज्यादा जुड़ते हैं, शासन को नागरिकों से संपर्क करने में और अपनी बात उन तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। जैसे मान लो आज बहुत सारे जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सरकार की योजनाओं का हम लाभ उठा पाते हैं। इसके अलावा दूसरा लाभ होता है नागरिकों को लाभ। नागरिकों को क्या लाभ होता है? जैसे सूचना सेवाएं एक स्थान पर, जैसे प्रत्येक नागरिक को एक ई मित्र पर बैठा बैठा सारी सूचनाएं वहीं से ले लेता है। विभिन्न विभागों की जानकारी वो एक स्थान पर सिंगल विंडो से प्राप्त कर लेता है। तो पहली बात है सूचना सेवाएं एक स्थान पर मिल जाती है। दूसरा, शासन से सरलतापूर्वक संपर्क हो जाता है। ई गवर्नेंस को अपनाने से सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में एक सरल मध्यस्थ की उपलब्धता रहती है। यानी वो ई गवर्नेंस जो है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो सरकार और नागरिक के बीच में बहुत अच्छी कड़ी है। नागरिक बिना किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए सीधे शासन से वेबसाइट के माध्यम से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाता है। इसके अलावा है आपके बेहतर सेवाओं की प्राप्ति। एक लाभ यह है, ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को वेबसाइट के माध्यम से अद्यतन शासकीय सूचनाओं में और उनसे गुणात्मक जानकारी, जैसे मान लो जितनी भी अपडेट सूचनाएं हैं वो अपडेट सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। जैसे कल जो, अगर मान लो कोई अपडेट है, हर एक
जैसे मान लो एक कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 सेकंड में एक आदमी को वो सूचना प्राप्त हो जाती है और वो प्राप्त कर लेता है। शासन से निरंतर संपर्क, और भी जैसे मान लो जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया और रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई कमी रह गई तो उसे तुरंत सुधार करके, और यूं मान लो कि आप 5 मिनट में ही उस रिजल्ट को सुधार करके फिर से जो सटीक सूचना है वो उपलब्ध करवाई जा सकती है। शासन से निरंतर संपर्क, नागरिक जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से निर्धारित समय में और निर्धारित दिनों में सूचनाएं उपलब्ध होती रहती है। ई गवर्नेंस को अपनाने से नागरिक कहीं से भी यानी 365 दिन यहां तक कि 24 घंटे वो शासन से संपर्क स्थापित करने में रह सकता है, यानी संपर्क स्थापित कर सकता है। जैसे मान लो कोई भी सूचना, कोई भी फॉर्म भरना है तो 2400 घंटे वो वेबसाइट तैयार रहती है, वहां फॉर्म भरे जाते हैं और नागरिक जैसे वो अधिकारी होते हैं वो एक्सेप्ट करते रहते हैं, कोई कमी होती है तो वापस मैसेज आ जाता है। इस प्रकार की सूचना ही वो शासन से निरंतर 2400 घंटे वो संपर्क में रहता है। पांचवी बात है लागत में कमी। ये दोनों को ही सरकार को भी लाभ है और व्यक्ति को भी लाभ है। ई गवर्नेंस ने केवल शासकीय कार्यों के संपादन में जैसे व्यय में कमी आती है बल्कि श्रम और लागत में कमी आती है, अपितु इसका लाभ उठाने वाले जो नागरिक है उनको भी सूचना और सेवा प्राप्त करने में भी लागत में कमी आती है। एक आदमी जैसे मान लो अपनी अपने जिले मुख्यालय पर जाकर के अगर कोई कागज लाता है तो उसके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और वही सूचना उसे यानी 150 रुपए में प्राप्त हो जाती है, तो बहुत ही बड़ी सुविधा है इसकी। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ पाई है। आज हम इसका पहला भाग ही पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे तो इसमें दूसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे इसका और थोड़ा मूल्यांकन होना बाकी रह गया। इसके लाभ भी लाभ पढ़े हमने, उसके दोष भी पढ़ने हैं और इसके अलावा इसका महत्व भी पढ़ना है, और भी जैसे मान लो अन्य क्षेत्रों में इसकी किस प्रकार सहभागिता है वो भी पढ़ने हैं, तो दूसरे भाग में हम इसको पूरा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।